अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताबीन पंजाबी च आफताब अहमद ताबी हाज़र है। और मेरा ख्याल सी कि बाबर आजम के खिलाफ जड़ी मुहिम है ये वक्त के नाल कट जाएगी, मगर दिन ब दिन वधी जा रही है। और ओ लोग क्रिकेट ते और बाबर आजम ते तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने ये भी नहीं पता कि क्रिकेट च किन्ने काफ होंदे ने और केड़ा काफ कुत्ते नाल शुरू होंदा है और केड़ा काफ कैंचना शुरू होता है। मनु लग रहा है कि मुस्तकबल जी टीवी एड्स और जो खबरनामे होंगे उनका नाम ही बाबरनामा रख दिया जाएगा, क्योंकि हर खबर जाके बाबर आजम तो रुक रही है। तो मुस्तकबल दे एड्स और बाबरनामा कैसा होएगा और देखिए जरा। भला काम है खरा और बाबर आजम लिखे डबल टक्कर किने क्या से कराची किंग। जी हाँ, एक और ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हैं और पंजाब के दोनों धड़ों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अगर बाबर आजम कप्तानी से दस्तबरदार हो जाएं तो उनको पंजाब का कायम मकाम वजीर आला बनाया जा सकता है। उधर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील कर दी गई है और तहलील करने की वजह यह बताई गई है कि बाबर आजम को बल्लेबाजी आती ही नहीं। चलते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर कारोबारी रुझान मुस्बत रहा। तहम बाबर आजम ने साल में 1000 रन मुकम्मल तो कर लिए हैं, मगर उनको बल्लेबाजी का कुछ पता नहीं। हाल मौसम की पूरे मुल्क में बर्फबारी और तेज हवाएं जारी हैं, लिहाजा बाबर आजम को ये मुतला किया जाता है कि वो पूरा डालकर सोया करें कच्छा या बुनियान, क्योंकि ऐसे मौसम में उनको अगर वो सिर्फ बुनियान पहनकर सोएंगे तो ठंड लगने का बहुत शदीद इम्कान मौजूद है। और अब कुछ खबरें खेल से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सरबरा नजम सेठी ने एहतजाज करते हुए कहा है कि हुकूमत को 34 या 36 इस्तीफे मंजूर करने चाहिए थे। 35 इस्तीफे मंजूर करके उन्होंने दोबारा से 35 पंचर का सिलसिला शुरू कर दिया है और तोपों का मुंह सीधा उनकी तरफ जाएगा। जनाब तो सुनिया खबरनामा जिदा मुस्तकबिल च नाम होने का इमकान है बाबरनामा, हुण बस कर दियो यार, बस कर दियो। अपनी दुकाना किनिया क चलानिया ने, की कर लोगे अगर बाबर आजम ढा भी लवोगे तो आखिर सब ने एक दिन जाना है, तो छड़ दियो छड़ दियो, अपनी दुकानदारियां ना चमकाओ और बाबर आजम खेडन दियो। और वो वड्डा खिलाड़ी है, इन्ने एहतजाज के बावजूद भी अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो मैं उन्होंने सारे ने कहांगा कि तुसी उदा कुछ नहीं पुट सकते। आफताब अहमद ताबी नूं दियो जी इजाज़त, अल्लाह सोने दे हवाले।